Assalamu alaikum. My name is Javed Iqbal Ahwan. C sharp programming ki series mein panchvi recording mein main aap logo ko welcome karta hu. Aaj ki is recording mein hum log sikhenge ki agar hum koi bhi conditional statement lagana chahte hain kis conditional statement hoti kya agar main koi bhi condition dena chahta hu aur us condition se true hone pe agar hum chahte hain ki koi action hai wo perform ho jaye तो इस पर्पस के लिए हम कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सी शार्प में और बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कंडीशन स्टेटमेंट से सपोर्टेड हैं वो जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सी शार्प है उसमें जो स्टेटमेंट जो सपोर्टेड होती हैं जैसे सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट होती है हम चाहे तो सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम चाहे तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की जा सकती है इस तरह से हम मल्टीपल अगर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो फिर इफ़ एल्स इफ और जितने चाहे हम एल्स इफ देना चाहें दे दें और लास्ट में फिर हम एल्स की कंडीशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं इसी तरीके से अगर हम इफ़ की कंडीशन के लास्ट से हटके जो हमें दूसरी जो सपोर्टेड है सी शार्प में और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर वो होती है स्विच केस हम स्विच केस के ज़रिए से भी जो है स्टेटमेंट पास कर सकते हैं और आखिरी होती है टर्नरी ऑपरेटर ये वैरायटी होती है स्टेटमेंट्स लगाने के लिए कंडीशन लगाने के लिए जिसके अगेंस्ट में हम जो है वो कोई भी कंडीशन पास कर सकते हैं और वो कंडीशन ट्रू होने पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है तो इसकी वन बाय वन मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और साथ साथ आप लोगों को समझाऊँगा कि किस सिनारियो में हम क्या यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई वेरिएबल ले लिया अब जैसे हम मार्कशीट बना रहे हैं और मार्कशीट में हमारे पास परसेंटेज जनरेट हो गई है और परसेंटेज के बाद हमारे ग्रेड असाइन करना है तो मल्टीपल परसेंटेज पे डिफरेंट ग्रेड होता है ना जैसे 80% से अबव है तो उसमें जो है A1 ग्रेड होता है और 70 है तो इसका A ग्रेड होता है तो इस तरह डिफरेंट परसेंटेज पे डिफरेंट ग्रेड असाइन होता है तो इस तरह जब हम मुख्तलिफ कंडीशन को मैच करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे काम करते हैं जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने P के नाम से वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 80 पास कर दी अच्छा अब पी एक इंटीजर वेरिएबल है न्यूमेरिक वेरिएबल है और जिसमें जो है मैंने वैल्यू असाइन कर दी उसको 80 वैल्यू से असाइन कर दी है अब मैं इसको चेक कराना चाहता हूँ तो साइंटेक्स क्या होता है साइंटेक्स जो सी शार्प में और जावा में और सी की सीरीज़ में जो साइंटेक्स होता है वो ये होता है कि पहले हम इफ़ लिखते हैं इफ़ के बाद हम ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाते हैं अब मैं इस कंडीशन में जैसे पी की वैल्यू को चेक कराना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा जैसे पी मेरा वेरिएबल है मैं उसको चेक करना चाहता हूँ मैं इक्वल करके मैच करना चाहता हूं तो दो दो इक्वल का साइन यूज़ करेंगे अगर हमने कहा अगर पी की वैल्यू 80 है तो ये हमारी कंडीशन है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर हम इसके बाद बॉडी बनाएंगे ये बॉडी इफ़ की बॉडी है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारा जो कंपाइलर जो है इस बॉडी के अंदर आएगा और इसके अंदर आके मैं जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैंने प्रिंट करवाने के लिए हमने कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने प्रिंट करवा दिया मैंने कहा A1 ग्रेड जिसे मैंने कहा A+ ग्रेड कर दिया उसके बताओ जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कंपाइलर हमारा इसके अंदर आएगा और इफ़ की कंडीशन के ब्लॉक के अंदर आएगा और जो एक्शन होगा वो एक्शन परफॉर्म कर देगा और मैं इसको स्क्रीन को रोकने के लिए हमने कहा कंसोल रीड का मेथड से मैंने इसको रोक दिया तो जब हम रन करेंगे तो हमारे पास A+ ग्रेड आ जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वो हमारे उस ब्लॉक के अंदर गया और उस ब्लॉक के अंदर जो हमने मैसेज पास किया था उसने वो मैसेज हमें आउटपुट उस मैसेज का जनरेट करा दिया अच्छा अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर अगर मैं P की वैल्यू फॉर 80 की जगह मैं 70 कर देता हूँ तो उस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि पी की वैल्यू 70 है और मैंने मैच किया पी की वैल्यू को 80 की अगर पी की वैल्यू 80 हो तो इस ब्लॉक में आना तो अब जब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो मतलब मुझे कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या करना है ये नहीं बताया और जब ये नहीं बताया तो इसका मतलब हमें कोई आउटपुट नहीं आएगा हमारा कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं और जब इसके अंदर जाएगा ही नहीं तो मतलब आउटपुट जनरेट नहीं करेगा जब इसमें जा ही नहीं रहा वहाँ से बाहर आ जाएगा तो मतलब कोई हमें आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि आउटपुट तो हमने बेसिकली इस ब्लॉक के ट्रू होने की सूरत में पास किया हुआ है तो फिर इस सिनारियो में अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर भी कोई ना कोई आउटपुट आ जाए तो फिर हम एल्स यूज़ करते हैं अब ये इफ़ का एल्स है कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करना है फिर हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन हमने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट करवा दिया हमने कहा फेल या नो ग्रेड लिखा दिया
इसका मतलब ये कि अब जब मैं रन करूंगा तो पहली कंडीशन तो हमारी ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि पी की वैल्यू 70 है और मैं यहाँ कंडीशन मैच करवा रहा हूँ कि अगर पी की वैल्यू 80 हो तो देन इसमें जाना, तो इसका मतलब ये एल्स भी आएगा और मुझे इसका प्रिंट कर देगा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ उन लोगों को जो प्रोग्रामिंग बिल्कुल न्यू है, वो भी इंशाल्लाह ताला यहाँ से सीखेंगे कि कंडीशन हम कैसे लगाते हैं और किस सिनारियों में हम किस तरह कंडीशन लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी कोई आउटपुट देना चाहते हैं तो हम इफ़ के साथ फिर एल्स यूज़ करते हैं, अगर हम चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं ऐसे तो हम सिंपल से इफ़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेटर देन लेस देन लगाना चाहता हूँ कि 80 हो या उससे अबव हो, तो फिर हम क्या करते हैं ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन 80, ये भी कंडीशन चल जाएगी। तो मतलब अगर 80 से अबव है तो वो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे आके 90 कर देता हूँ तो इस मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ए प्लस ग्रेड का मुझे आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे आके ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेता हूँ, मैं कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 80 भी अबव करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 80 करता हूँ और मैंने यहाँ पे अगर इक्वल नहीं लगाया तो इसका मतलब मैंने कंडीशन चेक की कि पी की वैल्यू अगर 80 से अबव होती है तो अबव तो नहीं है क्योंकि 80 है, तो इसका मतलब ये एल्स में जाएगा और मुझे नो ग्रेड का आउटपुट देगा। अब देखिए नो ग्रेड का आउटपुट देगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं इसको भी चेक करे कि अगर 80 हो तो वो भी हो जाए तो फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू देते हैं, ठीक है जी। तो मतलब अब जो मैं आउटपुट आएगा, चूँकि मैंने इक्वल भी लगा दिया तो इसका मतलब मुझे आउटपुट आएगा ए प्लस ग्रेड का, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हैं तो फिर हम एल्स इफ यूज़ करते हैं, तो इफ़ एक ही होगा, इफ़ एल्स इफ, और अगर मैं एल्स भी साथ में देना चाहता हूँ तो ये जहन में रखिएगा कि वो पूरा एक ब्लॉक कहलाएगा, ब्लॉक वो एक ही होगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ, मैंने कहा एल्स इफ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर 70 से अबव है पी की वैल्यू तो प्रिंट कर दो, इसे मैंने कहा प्रिंट कर दो और मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया ए ग्रेड। अब एक बात देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 80 की वैल्यू 70 से भी अब है और 80 की वैल्यू यहाँ पर 80 भी मैच हो रही है, तो लेकिन ये मुझे दो आउटपुट नहीं देगा, मुझे आउटपुट वो सिंगल एक ही देगा, पहला वाला आउटपुट देगा। इसका मतलब है जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका मतलब वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, वो बाकी कोड को नहीं पड़ेगा, क्योंकि इफ़ के साथ इस एल्स इफ और एल्स पूरा एक ये ब्लॉक है, दो मल्टीपल इफ्स नहीं है, मल्टीपल जो है ब्लॉक्स नहीं है, एक ही ब्लॉक है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका एक ही चल रहा है, तो यहाँ मुझे दो आउटपुट नहीं आएंगे बल्कि मुझे आउटपुट एक ही आएगा। अब देखिए मुझे ए प्लस ग्रेड का आउटपुट आ रहा है, ए ग्रेड का आउटपुट नहीं आ रहा जबकि 70 से भी बड़ी है, 80 की वैल्यू तो 70 से भी बड़ी है, तो मुझे उसका भी आउटपुट आना चाहिए, लेकिन नहीं, जो कंडीशन पहले ट्रू हो गई इसका आउटपुट देगा, इसका मतलब बाकी कंडीशन को नहीं पड़ेगा, वहाँ से बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर इसको पड़ेगा, ये ट्रू नहीं होती तो इसको चलेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 70 कर दी, या मैं 70 के साथ कुछ और लगा लेता 72 कर देता हूँ, अब इसका मतलब है कि 80 से हट जाएगा तो ये पहली कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो इस ब्लॉक में आएगा और यहाँ चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका आउटपुट देगा, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर ये एल्स पे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता हूँ तो अब मुझे आउटपुट आएगा ए ग्रेड का। तो लॉजिक समझनी है हमें, कोडिंग की लॉजिक समझनी है कि प्रोग्राम हमारा किस लॉजिक पर चलता है। अगर हमें लॉजिक समझ में आए तो हम कोई भी किसी तरह की प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर का बिहेवियर ये है और जब इस बिहेवियर के अगेंस्ट में कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करेगा तो उसका मतलब है जो आउटपुट पहले हमारे माइंड में हमारे दिमाग में आएगा और हमें पता है कि उसका आउटपुट उसका बिहेवियर जो है वो इस तरह से कंपाइलर कंपाइल करता है, इस तरह से चेकिंग करता है इफ एल्स इफ का आउटपुट कैसे आता है। अगर ये हमें क्लियर होगा तो देन उस सूरत में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ रटे हुए काम से हमारा काम नहीं चल सकता। अब देखिए वो इस ब्लॉक में नहीं गया, इस ब्लॉक में आ गया। अगर मैं यहाँ पर आके इसकी वैल्यू हटा देता हूँ, सिंपल जगह मैं 62 कर देता हूँ, तो सोचा वो एल्स में जाएगा और नो ग्रेड असाइन करेगा, क्योंकि पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी फॉल्स हो जाएगी और वो एल्स में चला जाएगा। अगर मैं एक कंडीशन और लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और एक कंडीशन में और लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ अगर 60 या उससे अबव है तो सोचा अब वो इस ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पर आके मुझे जो है वो बी ग्रेड का आउटपुट देगा। अब जब मैं आता हूँ तो मुझे बी ग्रेड का आउटपुट आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई, और जब ये ट्रू हो गई तो इसके ब्लॉक में गया और यहाँ पे इसने आके इसका आउटपुट जनरेट कर दिया। तो दोबारा मैं एक बात समझा दूँ कि अगर मैं यहाँ पर आके इसको देता हूँ 82 या 92 या 102, 80 से अबव कोई भी नंबर देता हूँ, तो याद रखिएगा इन सबका आउटपुट नहीं आएगा। जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये नीचे वाले को नहीं पड़ेगा, चाहे अब आप उल्टे से सीधे चलो, आप 60, 70, 80 से चलो,
अगर मैं 60, 70, 80 पे चलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो पहले ही ब्लॉक पे जाएगा, देखिए ए प्लस ग्रेड आ रहा है। और अगर मैं इसको उल्टा चलाता हूँ, मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इसमें 60 कर देता हूँ, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ बी ग्रेड, और इसको अगर मैं यहाँ पर आके जो है मैं इसको चेक करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 70 कर देते हैं और उस पर ए ग्रेड, और इस पर अगर मैं 80 कर देता हूँ और उस पर मैं बी ग्रेड देता हूँ, तो अब क्या होगा? देखिए कंडीशंस ये भी कि ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पी की वैल्यू है वो 60 से अबव है, तो सो क्या वो इसका प्रिंट देगा, इसका देगा या इसका देगा? तो लाजमी बात है कंपाइलर पहले ही कोड पे चलेगा, कंप्यूटर कंपाइलर को तो एक ही स्ट्रेटजी होती है, तो जब वो यहाँ पे रन करेगा तो इससे मतलब पहले कोड पे जाएगा, और पहले कोड पे आके इसने मुझे बी ग्रेड असाइन कर दिया, क्योंकि मैंने पहले कहा था जैसे उससे पहले काम किया था, तो उसने जब कंडीशन ट्रू हो गए तो उसे बाकी को नहीं पढ़ा। तो अगर हमें इस तरह की एप्लीकेशन बनानी हो और हमें ग्रेड चेक करवाना हो, तो फिर हमें जो है हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाएं, स्पेशली ग्रेड असाइन कराना हो तो फिर बड़े से छोटे। अब यहाँ चला गया तो उल्टा हो गया, अब 60 से अबव है, 70 से भी अबव है, 80 से अबव भी है, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट जो जनरेट करवाना था वो कराना था ए प्लस ग्रेड, मुझे आउटपुट तो ए प्लस ग्रेड का देना था। लेकिन जब मैं कंडीशंस पे आता हूँ तो पहली ही कंडीशंस ट्रू हो गई, मुझे बी ग्रेड का आउटपुट आ रहा है जो कि रॉन्ग है। इस सिनारियो पे फिर हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम यहाँ पे आके मैच करें कि अगर 60 से बड़ा है एंड पी की वैल्यू लेस देन है किससे, 70 से, वहाँ पे फिर हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। और अगर मैं मल्टीपल कंडीशन के कोड से बचना चाहता हूँ तो फिर हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाए, यानी ग्रेटर देन की तरफ आएंगे, 80 से आऊँगा और 80 का मैं आउटपुट जनरेट करूँगा तो मुझे एक्यूरेसी मिलेगी, जो मैं चाहता हूँ वो आउटपुट आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर आके 80 करूँगा, फिर मैं 70 करता हूँ, फिर मैं इसको 60 करता हूँ, तो बड़े से छोटे, अगर छोटे से बड़े पे आएंगे तो फिर हमें मल्टीपल दो कंडीशन को चेक करना पड़ेगा एंड लगा के, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो फिर हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, तो हमें सिंगल वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हमेशा प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें उसकी लॉजिक, हमें कंपाइलर की का पता हो कि कंपाइलर कंपाइल कैसे करता है, वो किस कंडीशन में चलता है, ताकि हम जो है जो काम करेंगे उसमें हमारे कम से कम कोड होगा और कम से कम टाइम में हो जाएगा। अब मैं आता हूँ तो मुझे बिल्कुल ए प्लस ग्रेड का आउटपुट मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि जो है 80 से अबव है तो ए प्लस ग्रेड भी है, हालांकि इससे भी बड़ा है, लेकिन पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी कंडीशन को नहीं पड़ेगा, ये मुझे पता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ लिख दिया। तो मुझे यहाँ दो कंडीशन मैच करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी, क्योंकि हमें कंपाइलर का पता है कि कंपाइलर हमारा किस तरह से काम करता है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर आके else if की जगह सिर्फ इफ लगा देता हूँ सब में, अब क्या होगा? अब होगा क्या कि अब ये सब तीन अलग अलग ब्लॉक बन गए, ये पहला इफ है, ये दूसरा इफ है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इस इफ का ऊपर वाले किसी इफ से कोई लिंक नहीं है, अलबत्ता इस इफ का ये else हो गया, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो इसके एल्स में जाएगा, जबकि ये एल्स सिर्फ और सिर्फ इसका है, बाकी किसी से उसका लिंक नहीं है। अब मैं क्या, जब मैं रन करूँगा तो मुझे क्या होगा, इसका आउटपुट भी आएगा, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है और ये भी ट्रू हो रही है, अलबत्ता ये ट्रू नहीं हो रही, नो ग्रेड नहीं आएगा, मुझे ए प्लस ए और बी तीनों का आउटपुट आएगा। तो अगर हम सिंगल इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं, देखिए ए प्लस ग्रेड भी आ रहा है, ए ग्रेड भी आ रहा है और बी ग्रेड भी आ रहा है, हमने यहाँ पे राइट का मेथड दिया है तो इसलिए जो है वो लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, हमने लाइन राइट लाइन कर देते हैं तो उसके बाद लाइन ब्रेक होगी। अब देखिए मुझे तीनों का आउटपुट आ रहा है, ए प्लस ग्रेड भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी ग्रेड भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसलिए कि तीनों कंडीशंस ट्रू हो रही है और इनका आपस में कोई लिंक नहीं, जबकि इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स का जो जितने भी एल्स इफ लगा लो उसमें एक इफ होगा एक एल्स होगा, वो पूरा एक स्टेटमेंट कहलाएगी। जब एक स्टेटमेंट कहलाएगी तो जो ट्रू हो जाएगा तो बाकी को नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं मल्टीपल इफ लगाऊंगा तो किसी भी इफ का दूसरे से कोई लिंक नहीं है, इसलिए तीनों ही कंडीशंस ट्रू हो रही है तो तीनों का आउटपुट आ रहा है। और अगर ये कंडीशन ये भी फॉल्स हो जाती है और ये भी फॉल्स होती है तो फिर वो इसके एल्स में जाएगा। तो हमें प्रोग्राम करने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि कंपाइलर हमारा किस तरह कंपाइल करता है तो उसका मतलब है हम सही तरह से अपनी लॉजिक बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है करने के लिए स्टेटमेंट कंडीशन लगाने के लिए, वो होता है हमारे पास स्विच केस। अच्छा, स्विच केस कैसे काम करता है? जैसे इफ का काम है वही स्विच केस का भी काम है, एक चीज़ का फर्क है, इफ के अंदर हम ग्रेटर देन लेस देन को चेक कर सकते हैं, जबकि स्विच केस सी शार्प में जावा में इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन हम नहीं लगा सकते। VB6 में था कि हम केस इस का मेथड था,
वहाँ पे हम केस इज लगा सकते थे, लेकिन सी शार्प में या जावा में या सी लैंग्वेज के जितने भी हमारे पास जो है लैंग्वेजेज हैं उन सब में हमारे पास जो है वो स्विच के साथ ग्रेटर नहीं लग सकता, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग हो सकती है, हम सिर्फ मैच कर सकते हैं। कैसे मैच करते हैं तो नॉर्मली ये इसलिए स्ट्रिंग के लिए बन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसी अल्फ़ाबेट को मैच करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर नंबर को भी मैच करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है कि आपने पहले लिखना है स्विच, और स्विच के आर्गुमेंट पे आके यहाँ पे अपने वेरिएबल को बताना है जिसको आप मैच करवाना चाहते हो, जिसको आप चेक करवाना चाहते हो। यहाँ पे आप होगी पूरी पूरी वैल्यू को चेक होना, ये वैल्यू को चेक करेगा ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन नहीं लग सकती। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने केस लगाना होता है, ये आपका बन गया इफ़ केस। अब मैं यहाँ पे नंबर चेक कराऊंगा कि अगर यहाँ पे आपको 90 मिलता है तो फिर इसके बाद आपने कॉलन लगाना होता है, ठीक है जी। कॉलन लगा के अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर प्रिंट क्या करवाना है, मैंने कहा ये प्रिंट कर दो, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने ब्रेक लिखना होता है, यहाँ से हम ब्रेक करते हैं, इस इफ के बॉडी को बंद करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप स्विच के बाद, सॉरी स्विच के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक देना होता है, और ये सारा कोड आपका इस कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक के अंदर जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरी कंडीशन। अब मैं दूसरी कंडीशन आ जाए, इससे मतलब मैं एल्स इफ पे आना चाहता हूँ। अच्छा, पहले इफ एल्स करते हैं। अच्छा देखो, मैं पहले इफ करता हूँ, ये इफ है एक तरह का कि अगर कंडीशन 90 होगी तो ये प्रिंट करना और फिर ब्रेक कर देना। मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये कंडीशन इसका मतलब फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पी की वैल्यू तो 92 है और मैं मैच कर रहा हूँ 90 से, तो इसका मतलब फॉल्स होगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा हमारे पास। ये वही काम हो गया जैसे पहले मैंने इफ अलग कराया था, वो काम अब स्विच ने किया, मतलब कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैं एल्स नहीं लगाया था फर्स्ट टाइम पे। अब यहाँ मैंने एल्स नहीं लगाया, इससे मतलब कोई आउटपुट नहीं आया। अगर मैं इसके अंदर एल्स वाला काम करना चाहता हूँ तो फिर आपने क्या करना होता है, आप देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के बाद आपने कॉलन लगाया और इसके बाद आपने फिर प्रिंट करवा दिया, और आपने सॉरी डिफ़ॉल्ट के बाद हमने प्रिंट करवाया, और प्रिंट कराने मैंने कह दिया एक मिसाल है नो ग्रेड। तो हमें बेसिकली देखिए, जो काम इफ करता है वो स्विच भी करता है, लेकिन इससे मैंने आपको बताया ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन नहीं लगा सकते, बाकी इक्वल करके मैच करते हैं, मैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और हमने कहा नो ग्रेड, तो इसलिए ज़्यादातर स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपने इसके बाद ब्रेक दे दिया, अब क्या हो गया, इफ एल्स हो गया। अब कंडीशन होगी इफ एल्स की, अब पहली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारे पास पी की वैल्यू 92 है और यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ 90 से, तो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये जाएगा डिफॉल्ट में यानी एल्स में जाएगा और नो ग्रेड का आउटपुट देगा, ठीक है जी। नो ग्रेड का इसने हमें आउटपुट दे दिया। अच्छा, जैसा हम इफ एल्स इफ किया था वैसे करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए क्या होगा कि आप केस बढ़ाओगे, केस के अंदर आपने रिपीट करना है, और मैंने कहा केस अगर 91 है तो देन उस सूरत में फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ए ग्रेड कर लेते हैं, और अगर मल्टीपल्स एल्स इफ लगाने हैं तो फिर मैंने कहा अगर 92 है तो फिर यहाँ पर आ जाओ, और हमने कह दिया एक मिसाल है हमने कहा बी ग्रेड दे दी फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, ये कंडीशन थी फॉल्स, कोई आउटपुट नहीं आएगा, ये कंडीशन में फॉल्स इस ब्लॉक में नहीं आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इस ब्लॉक में आएगा और मुझे इसका प्रिंट देगा, इसका मतलब इस दफ़ा वो डिफॉल्ट में नहीं जाएगा और इस लाइन का मुझे बी ग्रेड का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है जी। बी ग्रेड का आउटपुट आ गया, इसका मतलब है जो स्विच केस वही काम करता है जैसे एल्स इफ कर रहा होता है, फ़र्क है वहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन करके हम मैच कर सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा काम नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं फॉर एग्जांपल तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा ऑप्शन होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर सिंपल इफ एल्स की तरह काम करता है, यानी सिर्फ उसका एक ही काम है, हम उसमें एल्स इफ नहीं लगा सकते। एक कंडीशन को मैच किया, कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर दो, नहीं हुई तो ये प्रिंट कर दो, यानी इफ एल्स वाला काम होता है। इसके अलावा कोई और काम हम टर्नरी ऑपरेटर में नहीं कर सकते। सिंटैक्स क्या होता है, मैं जैसे दो वेरिएबल लेता हूँ, मैंने कहा इंट ए और इसको मैंने वैल्यू पास कर दी 5, और फिर मैंने कहा बी उसको वैल्यू मैंने पास कर दी 6, तो ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 6 हो गई। अब मैं दोनों को चेक करना चाहता हूँ कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो अब जब मुझे इसका आउटपुट देना होता है तो लाजमी बात है मुझे यहीं पे प्रिंट भी लेना है। तो जो प्रिंट लेना है तो अब उसके लिए हम डेटा टाइप क्या लेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ तो मैं मुझे मैच करना है नंबर्स को तो एरर आ जाएगा। अगर मैं इंटीजर लेता हूँ तो प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग का तो एरर आ जाएगा। दोनों सूरत में एरर आ जाएगा। तो फिर यहाँ जो टाइप होती है
वो हम यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली वार, यानी वार ले लेते हैं एनोनिमस डेटा टाइप, या फिर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। वार लेके जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया सी इक्वल टू, अब मैं सी का प्रिंट लूँगा इसलिए मैंने कोई वेरिएबल ले लिया सी। अब मैंने चेक करना है, मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी, यानी अब आपके पास इफ हो गया ए ग्रेटर देन बी, तो क्या करना है क्वेश्चन मार्क, तो क्या करना है हमने कहा प्रिंट कर दो, हमने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं होता एल्स हमने प्रिंट कर दिया, हमने कहा बी इज ग्रेटर देन ए। यानी इफ एल्स वाला काम किया, सी एक वेरिएबल है इसको हटा दें, इसे प्रिंट के लिए इस्तेमाल किया है, असल कंडीशन यहाँ शुरू हो रही है टर्नरी ऑपरेटर, हमने कहा ए ग्रेटर देन बी, यानी इफ ए ग्रेटर देन बी देन, इसको क्वेश्चन मार्क देन का काम कर रहा है, ये प्रिंट कर देना, कॉलन एल्स का काम कर रहा है नहीं तो ये प्रिंट कर देना। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैंने कहा प्रिंट कर दो, और हमने कि प्रिंट करवा दिया, हमने कहा सी का प्रिंट दे दो, तो इसका मतलब है चूँकि ए की वैल्यू बी से छोटी है तो ये एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। और अगर मैं ए की वैल्यू बड़ी कर देता हूँ, फॉल्स में से 50 कर देता हूँ, तो अब ए बड़ा हो गया बी की वैल्यू छोटी हो गई है, तो देन उस सूरत में अब क्या होगा कि पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मुझे इसका प्रिंट आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये तीन स्टेटमेंट्स होती हैं कंडीशन लगाने के लिए, इफ वाली स्टेटमेंट होती है, स्विच केस की होती है और टर्नरी ऑपरेटर की होती है। ये हमारी सी लैंग्वेज में भी सपोर्टेड है, सी प्लस प्लस में भी है, सी शार्प में भी है, जावा में भी है, विजुअल बेसिक में भी है, ये स्टेटमेंट हमारी सपोर्टेड है, हम इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और सी की सीरीज में सिंटैक्स भी सब सेम ही होता है, इसलिए आपको ये एडवांटेज है कि अगर आप इस कोड को जावा में लगाओ तो भी चलेगा, आप इसको सी में लगाओ तो भी चलेगा, ये सी प्लस प्लस में लगाओ तो भी चलेगा, सी शार्प में लगाओ तो भी चलेगा, नहीं चलेगा तो विजुअल बेसिक में नहीं चलेगा, वहाँ सिंटैक्स चेंज हो जाता है, वहाँ कर्ली ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ सब और एंड सब का कॉन्सेप्ट होता है, और वहाँ पे हम जो है वो पैरेंथेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कहने का मकसद है कि वहाँ सिंटैक्स चेंज होता है, लेकिन सी की सीरीज में आप किसी भी लैंग्वेज पर काम करो तो आपका सिंटैक्स यही रहेगा। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।